Subscribe now and press the bell. गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आज की क्लास में अपन हेनरी के नियम को डिस्कस करने वाले हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना यहाँ पर हेनरी का नियम। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि हेनरी का नियम क्या होता है। तो अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ रखा है कि गैसों की विलेयता पर दाब की जो प्रभाव होता है उसको हेनरी ने स्पष्ट किया, ठीक है ना। तो हेनरी का नियम क्या है अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो तो, एम समानुपाती पी। तो आगे अपन ने क्या पढ़ा था, एम इज इक्वल टू के एच पी, और यहां से अपन चाहे तो के एच बराबर क्या होता है, स्मॉल एम अपॉन पी होता है। अब अपन को ये पता होना चाहिए कि एम क्या होता है, पी क्या होता है। देखो हेनरी का जो नियम होता है वो होता है निश्चित ताप पर, या बोल सकते हैं स्थिर ताप पर। हेनरी का नियम होता है स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलायक के, किसी विलायक के, किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली, निश्चित आयतन में घुली गैस की मात्रा एम, या आ गया आपके पास एम, गैस की मात्रा एम साम्य पर, साम्य पर दाब के समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है। तो ये आ गया आपका दाब, दाब के समानुपाती होती है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे इसे हेनरी का नियम कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। इससे पहले का जो वीडियो था, लेक्चर था, उसके अंदर भी मैंने आपको हेनरी का नियम बताया था, लेकिन मैं आज दोबारा इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस की मात्रा एम साम्य पर दाब के समानुपाती होता है, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। आगे हेनरी का नियम, हेनरी का नियम गैसों की द्रवों में विलेयता पर, गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को, दाब के प्रभाव को स्पष्ट करता है। अब देखो सुनो बच्चों, यहां पर क्या है, अपन को किसी भी गैस को जो होता है उसको द्रव में डालना होता है। तो गैस को जो अपन द्रव में डालते हैं, क्योंकि विलयन के अंदर क्या होता है, अपन को कंसंट्रेशन टर्म का यूज करना है। तो यहां पर अपन जो कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं वो होती है आपकी मोल फ्रैक्शन। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी भी विलयन के अंदर किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है, तो अपन लिख सकते हैं किसी भी गैस का, किसी गैस का, किसी गैस का वाष्प अवस्था में, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, आंशिक दाब पी, मतलब कोई भी गैस लोगे उसका आप क्या निकालोगे, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब निकालना है। तो वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में, कोमल आ जाता हूं, विलयन में उस गैस की, उस गैस की मोल अंश, बोले तो कैपिटल एक्स, मोल अंश के समानुपाती, समानुपाती होती है। तो ये भी अपन को याद रखना है। इसलिए यहां पर अपन कंसंट्रेशन टर्म के अंदर किसका यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो पी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहां से क्या निकालेंगे, पी इज इक्वल टू क्या होगा, के एच एक्स गैस, और यहां से अगर अपन के एच का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों से एम ही ध्यान रखना, के एच का मान निकालेंगे तो क्या होगा, पी अपॉन एक्स गैस, ठीक है ना। ये अपन को निकालना है। अब पता होना चाहिए पी क्या होता है। देखो पी क्या होता है, पी तो आपका प्रेशर है, ये प्रेशर है, एक्स अपन को पता है ही सही, गैस के क्या है मोल फ्रैक्शन, यानी कि बोले तो मोल अंश है, ये हो गई मोल अंश। और अगर अपन इसकी बात करें एज, तो ये हेनरी, एज मतलब हेनरी,
और के की बात करें तो यहां पर के क्या होता है आपका बच्चों, नियतांक होता है। ठीक है, अब कैसे करें अपन, अगर अपन को किसी गैस की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो अपन ने पढ़ा था आपको याद हो तो, एक सल्यूट प्लस एक सोलवेंट बराबर एक, यह आपको याद रखना है। ठीक है ना, अगर अपन को किसी की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो एक सल्यूट प्लस एक सोलवेंट से निकाल सकते हैं, और प्रॉपर किसी गैस की निकालनी है तो अपन ने बात करी की थी, जैसे अगर सोल्यूट की निकालनी तो सोल्यूट के मोल अपॉन सोल्यूट प्लस सोलवेंट के मोल। अब इस केस में अपन इक्वेशन कर लेते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे इक्वेशन कैसे आएगा। इससे पहले अपन एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। जैसे ये इक्वेशन नंबर वन है, तो देखो P इज इक्वल टू क्या होता है के एच एक्स गैस। ठीक है ना, उपरोक्त समीकरण की y बराबर एम एक्स से तुलना करने पर तथा p व x के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कहां से निकलती है, जो मूल बिंदु से गुजरती है। तो यहां पर बच्चों ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा अपना, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, अपने पहले पढ़ा रखा है आपको, ग्राफ किसके बीच में खींचना है आपको, y तो क्या है आपका, y तो आपका p है, तो ये p आ जाएगा, ये प्रेशर हो जाएगा, और x की बात करें तो x आपका ये वाला ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मूल बिंदु से गुजरेगी तो ये हो गए मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। तो यहां पर अपन को क्या प्राप्त होगा, स्लोप टेन थीटा प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्लोप। तो यहां पर जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, के एच के इक्वल है। तो बच्चे इसका ग्राफ हो गया, अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहां से निकलते हैं, अगर मान लो इसका क्वेश्चन आता है तो आपको क्या होती, सबसे पहले तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है ना, उसके बाद क्या निकालना है आपको, हेनरी नियतांक निकालना। जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखता हूं देखो, जैसे क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, सड़े अंडे वाली विषैली गैस H2S का गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है यदि H2S की जल में एसटीपी पर विलेयता 0.195 स्मॉल एम हो तो, 0.195 स्मॉल एम हो तो आगे क्या बनेगा, हेनरी स्थिरांक की गणना करो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या है, सड़े अंडे वाली विषैली गैस, तो सड़े अंडे वाली विषैली गैस कौन सी होती है आपके, H2S होती है। गुणात्मक का मतलब होता है प्रैक्टिकल में आप यूज करते हैं, विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। यदि H2S की जल में एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ये अपन को याद ही सही। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मैंने आपको हिंट दिए यहां पर, तो यहां पर अपने आंसर लिखा हुआ है कैसे, एम का मतलब क्या होती है, मोलिलिटी है ना, एम यानी कि मोलिलिटी, H2S का अर्थ है। ठीक है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं अर्थ इसका, अपन लिख सकते हैं यहां पे देखो, ये जो आपको एम दिख रहा है ये एम है मोललता। ठीक है ना, और मोललता किसमें निकलती, एक किलोग्राम के अंदर, तो अपन बोल सकते हैं 0.195 मोल H2S एक किलोग्राम या 1000 ग्राम
जल में उपस्थित है। बताओ ये सर नो, और वैसे भी मैंने आपको ये चीज लिखना सिखा दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते गीवन, ये अपन को आना चाहिए, बस इंपोर्टेंट यही चीज है। देखो डब्ल्यू ए का मान निकाले तो डब्ल्यू ए का मान तो कितना जाएगा आपके पास सीधा, अगर अपन देखें तो अपने पास डायरेक्टली मोल आ गए है ना। तो एच टू एस के मोल क्या है, तो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन के द्वारा, अपन एच टू एस निकाल रहे हैं तो एच टू एस हो जाएगा आपको डायरेक्ट इक्वेशन में गिवन है 0.195 m, ठीक है ना। अब क्या निकालना है आपको, एच टू ओ के मोल निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, तो ये तो एन हो जाएगा और ये एच टू हो जाएगा, कैसे निकालोगे मोल। अब देखो विलय की मात्रा कितनी है आपके पास, 1000 ग्राम, तो ये तो जाएगा आपके पास 1000 ग्राम। अपन जानते जल का वेट कितना होता है, 18 g/mol, हो गया। तो अपन जनरली क्या करेंगे, यहां पर 18 g/mol से डिवाइड करेंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और अपने पास आंसर आ जाएगा 55.5 mol। तो बच्चों अपन ने मोल निकाल ली, ये मोल आ गई। अपन ने बात करी थी कि अगर मोल अंश निकालना है, मैंने आपसे पहले कहा था सबसे पहले आपको मोल निकालना है, फिर मोल अंश निकालना है, फिर हेनरी कांस्टेंट की कैलकुलेशन करनी है। यहां पर अपन किसके निकालेंगे मोल अंश, सॉलिड के मोल अंश निकालेंगे। तो H2S की मोल भिन्न यानी कि मोल अंश कैसे निकलेगी, एक्स H2S बराबर क्या होगा, एन H2O H2S, एन H2S प्लस क्या होगा, एन H2O विलय की मोल, विलय के मोल प्लस विलय के मोल, तो क्या होगा एक्स एच टू एस बराबर इसका कितना है अपने पास 0.195, इसका कितना है 0.195 और इधर कितना है 55.5। अपन कैलकुलेट करेंगे 0.035 आ जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, यूनिटलेस होती है। अब क्या करना है अपन को यहां पर बच्चों हेनरी कॉन्स्टेंट की कैलकुलेशन करना है। तो अपन जानते हैं, अपन जानते हैं हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक की गणना क्या पढ़ा था अपने, अभी पढ़ा था अपने, अपन जानते हैं के एच बराबर क्या होता है, पी अपॉन एक्स एच टू एस, गैस का नाम दे दिया ना, तो के एच बराबर, प्रेशर के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा। अब जब क्वेश्चन के अंदर प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहा है तो अपन यहाँ पे प्रेशर क्या ले सकते हैं, आप ले लो यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया एक बार, बार में ले लिया मैंने, ठीक है ना। अगर जो प्रेशर दे देता मेरे को तो मैं यहां पर रख देता, क्योंकि प्रेशर के बारे में बात नहीं हो रही, इसका मतलब एक बार के बारे में बात हो रही है। और एक्स एच टू एस का मान कितना, 0.0035, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, अप्रोक्सीमेट आपके आंसर जाएगा 289.5, किसमें आएगा आंसर आपके बार, क्योंकि ये प्रेशर है, ठीक है ना। तो बच्चों ये सवाल इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 2 या 3 बार ये बोर्ड में आ चुका है, तो आपको अच्छे से आना है। जल्दी से आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर अपन एक बार और इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अपने क्वेश्चन हो गया, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ था 0.195 स्मॉल एम एच टू एस कर। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, स्मॉल एम का मीन्स होता है मोलिलिटी, मतलब इतने मोल किसमें घुलेंगे 1 kg के अंदर। तो 0.195 स्मॉल मोल एच टू एस 1 kg या 1000 जल में उपस्थित है, 1000 g जल में उपस्थित है, ध्यान रखना। यहां पर जल क्या है, यहां पर जल है बच्चों सोलवेंट, तो आपके पास H2S के मोल गिवन है, H2O के मोल आपने कैसे निकाला, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार या गया। H2S के मोल कैसे निकालोगे, मोल भिन्न कैसे निकालोगे, H2S के मोल अपॉन H2S प्लस H2O के मोल। अब मुझे क्या करना है, हेनरी नियतांक की गणना करनी है, P का मान मैंने बार में रखा है और वैल्यू पुट ऑफ करके सीधा आंसर लिया है, ठीक है ना बच्चों। अब पढ़ते हैं अपन हेनरी के नियम की सीमा है, मतलब इसकी क्या लिमिटेशन होती है, कौन सी गैसों पर यह लागू होती है, कौन सी गैसों पर लागू नहीं होती है, लिमिटेशन ऑफ हेनरी रूल, बोल सकते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं, इसकी क्या सीमाएं हो सकती है। देखो क्या सीमाएं होती है, सबसे पहली सीमा क्या होती है, नंबर 1 दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये होगा, क्या होगा, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है ना। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा, नंबर 2 पॉइंट होगा दाब कर लीजिए किस वक्त, ताप से, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत कम
नहीं होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखो, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, उन गैसों पर, हेनरी का नियम उन गैसों पर लागू होता है, उन गैसों पर लागू होता है जिनकी विलेयता, जिनकी विलेयता विलायक में कम होती है। ध्यान रखना, विलायक में कम होती है। अब यहां से अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं CO2NH3 के ना, तो CO2 तथा NH3 की जल में विलेयता, जल में विलेयता अधिक होती है, जल में विलेयता अधिक होती है। अच्छा, क्यों होती है इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके। CO2 तथा NH3 की जल में विलेयता अधिक होती है, यह जल के साथ, यह जल के साथ संयुक्त होकर, संयुक्त होकर क्या बनेगा, यहां तो बनेगा H2CO3 तथा NH4Cl बनाते हैं, बनाती है, जो जो आसानी से आयनित हो जाते हैं। अतः इनकी विलेयता, अतः इनकी विलेयता अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण CO2 तथा NH3 गैसों पर, कहां पर, जल में, जल में हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। मैंने आपसे बताई दिया, मैंने आपसे यही कहा है कि ऐसी गैसें जिनकी सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है बच्चों, उन पर कभी भी हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम उन गैसों पर लागू होता है जिनकी विलायक में विलेयता कम होती है। तो बात करते हैं CO2NH3 की। CO2 और NH3 की जल में विलेयता ज्यादा होती है, क्योंकि CO2 तो बनाता है H2CO3 और आपके जो NH3 होती है वो बनाती है आपके NH4OH, ठीक है ना, NH4OH, NH4OH बनाती है। उससे क्या होगा, जैसे NH4OH बनाएगी तो क्या होगा, ये आसानी से प्लस माइनस में आयनित हो जाएंगे और विलेयता का मान बढ़ जाएगा। तब विलेयता का मान बढ़ जाएगा तो हेनरी का नियम तो लागू होगा ही नहीं। लेकिन अगर बात करें तो देखो आप, क्या होती है, CO2 तथा NH3 की बेंजीन विलायक में विलेयता कम होती है। अतः बेंजीन विलायक में NH3 तथा CO2 पर हेनरी का नियम लागू होता है। दैट्स ऑल, ठीक है ना। दोबारा सुन लो, पहला तो क्या होता है, देखो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर दो बात, ताप बहुत भी कम नहीं होना चाहिए। हेनरी का नियम उन गैसों पर लागू होता है जिनकी विलेयता विलायक में कम होती है। जैसे CO2 तथा NH3 की जल में विलेयता अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि जल के साथ संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, H2CO3। ध्यान रखना ये NH4OH, पहले मैंने NH4 से गलती से लिख दिया था, क्या बनेगा NH4OH, NH4OH बनती है। अपन जानते हैं ये दोनों क्या होंगे, जल में आसानी से आयनित हो जाएंगे और आयनित होकर क्या होते हैं, विलेयता के मान को बढ़ा देते हैं। तो नॉर्मली जिसकी विलेयता ज्यादा होगी उन गैसों पर तो हेनरी का नियम लागू होगा ही नहीं। इसका विपरीत करते हैं, अगर अपन इसको बेंजीन विलायक में डालते हैं तो अपन जानते हैं CO2 और NH3 पोलर नेचर के होते हैं, तो बेंजीन विलायक में आसानी से नहीं घुलेंगे। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, हेनरी का नियम लागू हो जाता है। तो बच्चों ये हो गया आपके हेनरी के नियम की सीमाएं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
तो बच्चों अपन ने हेनरी के नियम की लिमिटेशन पढ़ ली, अब बात करते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। यहां से भी क्वेश्चन अपने जरूर आता है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब इसको आपको कैसे याद करना है बता देता हूं मैं आपको कैसे याद करना है। देखो अनुप्रयोग की बात करें ना, तो अनुप्रयोग देखो तीन अनुप्रयोग इसके अंदर, आप कैसे याद करोगे? देखो एक तो याद कर लो सोडा वाटर, टुकड़ में याद करो, एक तो सोडा वाटर याद कर लो, ठीक है ना। एक याद कर लो आप एनोक्सिया, यहां से क्वेश्चन आता है आपका जरूर एनोक्सिया। और बच्चों एक याद कर लो आप बैंड, ये याद कर लो, ऐसे तीन टॉपिक बना के याद कर लो। देखो क्या होता है सोडा वाटर, अपन जानते हैं क्या सोडा वाटर की बोतल देखा होगा अपन ने, तो सोडा वाटर की जो बोतल होती है उसमें CO2 गैस को क्या करते हैं अपन, उच्च दाब पर सील पैक करते हैं। रिपीट करता हूं, सोडा वाटर की जो बोतल होती है उसमें CO2 गैस को उच्च दाब पर सील पैक करते हैं। अपन ऐसा क्यों करते हैं? CO2 गैस की विलयता को बढ़ाने के लिए अपन ऐसा करते हैं। मैंने बोला सोडा वाटर की बोतलों में, बोतलों में CO2 गैस को उच्च दाब पर सील पैक किया जाता है। अब सवाल है ऐसा क्यों करते हैं अपन? तो बच्चों अपन को पता होना चाहिए अपन ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करते हैं पैक किया जाता है CO2 गैस की विलयता बढ़ाने के लिए ऐसा अपन करते हैं। देखो दूसरा क्या है अपना एनोक्सिया, ये अपना एनोक्सिया है, पता है इसका आंसर कहां लिखा हुआ है? देखो इसका आंसर ही लिखा हुआ, देखो एनोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली बीमारी, ऑक्सीजन की कमी से, तो ध्यान रखना ये किससे होगी, ऑक्सीजन की कमी से होती। कैसे? आपने देखो पर्वतरोही होते हैं यानी कि पहाड़ों पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर पतला होता है, कमजोर होते हैं, उन्हें मानसिक तनाव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की कमी होती। कैसे? अपन जैसे जैसे ऊंचाई पर चलते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, बोले तो ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। अतः क्या होता है उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होने के साथ ही क्या होता है उनमें बीमारी होती है, उसे बोलते हैं अपन एनोक्सिया। तो आप यहां से याद कर सकते हो एनोक्सिया, ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी से होने वाला। तो बोल सकते हैं पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों का शरीर पतला, कमजोर तथा वे मंद बुद्धि वाले होते हैं क्योंकि पहाड़ों पर, ये बोले तो क्योंकि ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, अतः ऑक्सीजन की कमी के कारण पर्वतारोहियों में एनोक्सिया होता है। बच्चों इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना आप, ये दूसरा पॉइंट हो गया अपना एनोक्सिया। अब बच्चों तीसरा जो पॉइंट है बच्चों है अपना बैंड। देखो बैंड का मतलब क्या आता है, ये बैंड शादी वाला बैंड नहीं है, बैंड भी क्या होती है एक प्रकार की बीमारी। मान लो आप कैसे जो आपके समुद्र में जाते हैं गोताखोर, आपने देखा होगा जो गोताखोर होते हैं वो एक सिलेंडर का यूज करते हैं पीछे सांस के लिए, तो उसमें क्या होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अब कहानी है कि नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की जो होती है अपने ब्लड के अंदर विलयता होती है अधिक, अब ब्लड के अंदर विलयता अधिक होती है
तो जैसे ही क्या होता है, ये सतह पर आते हैं, तो सतह पर आने पर क्या होता है, ये ब्लड के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है उसको बुलबुलों के रूप में बाहर निकालते हैं, जिससे क्या होता है इनकी कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न होता है और इनको अत्यधिक पीड़ा होती है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं बैंड। तो बैंड से बचने के लिए अपन को उसमें एक ऐसी गैस मिलानी है जिसकी विलेयता कम होती है, तो यहां पर अपन यूज करते हैं हीलियम का। अब देखो, जो गोताखोर के द्वारा जो गैस सिलेंडर होता है, गोताखोरों के द्वारा प्रयुक्त गैस सिलेंडर में तीन प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, बोले तो हीलियम, एक नाइट्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन। तो अपन बोल सकते हैं, तो क्या लिख देता हूं मैं, गहरे समुद्र में गोताखोरों को, ड्राइवर को, गोताखोरों को उच्च दाब पर वायु में श्वास लेना होता है। सही है बात, पहला पॉइंट होता है। अतः वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की ब्लड में विलेयता अधिक होती है। ठीक है साहब, अब ब्लड में विलेयता अधिक होती है, अतः जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो यह ब्लड में घुली हुई नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन को बुलबुलों के रूप में बाहर निकालते हैं, जिससे कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न होता है, जो घातक होता है। इसे बैंड कहते हैं। इसके उपचार के लिए गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त सिलेंडर में हीलियम, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलवा लेता हूं। इसके उपचार के लिए गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त सिलेंडर में हीलियम का उपयोग किया जाता है। अब सवाल है क्यों किया जाता है? उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी ब्लड में विलेयता कम होगी। अब बताओ, अगर ब्लड में विलेयता कम होती है तो कौन सा नियम लग जाएगा? अपना हेनरी का नियम लग जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या होती है बच्चों? हीलियम होती है, क्या होती है, 11.7%, फिर होती है नाइट्रोजन, ये कितनी होती है, 56.2%, और एक होती है ऑक्सीजन। तो यहां पर जो अपने ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन होगी बच्चों अपनी लगभग होती है आपके 32.1। तो बच्चों ये तीन पॉइंट हो गए अपने पास। बात आ रही है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, तो आपको कैसे याद करना है? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहले क्या होता है बच्चों? सोडा वाटर होता है। क्या होता है सोडा वाटर? सोडा वाटर की बोतलों में CO2 गैस को उच्च दाब पर सील पैक किया जाता है। आपने देखा होगा सोडा वाटर की जो बोतल्स होती है उनमें क्या करते हैं अपन? CO2 गैस को उच्च दाब पर सील पैक करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं? अपन CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं वहां पे। दूसरा है ऑक्सीजन, यानी कि एनोक्सिया। ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। पर्वतरोही होते हैं, जो पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका शरीर कैसा होता है? पतला होता है, कमजोर होता है, मानसिक तनाव से वो ग्रसित होते हैं, क्योंकि प्रॉपरली उनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें सभी जगह पर क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों का शरीर पतला, कमजोर वे
मंद बुद्धि वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है और ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होती है, पर्वतरोहियों में एनोक्सिया होता है। इधर रखना। तीसरा जो अपना इंपोर्टेंट है बच्चों वो है आपका बैंड। देखो बैंड ये अलग इधर रखना, ये वाला इसे ठीक है, ये इधर है। देखो क्या होता है, अपन जानते हैं गेयर बैंड की बात करें तो गोताखोरों के द्वारा जो गैस सिलेंडर प्रयुक्त किया जाता है उस गैस सिलेंडर में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑप्शन के अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो आप बताओगे हीलियम ब्लड में विलेयता कम होती है, ठीक है ना। तो गहरे समुद्र में गोताखोरों को क्या करना पड़ता है, उच्च दाब पर वायु में सांस लेना होता है। अब क्या होता है, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्या होती है, अपने ब्लड में विलेयता ज्यादा होती है। अतः जब गोताखोर सरफेस पर आते हैं तो अपने ब्लड के अंदर जो भी गैसें होती है उनको बुलबुलों के रूप में बाहर निकालना होता है उनको, तो इस क्रिया में क्या होता है उनको बार बार सरफेस पर आना होता है, ठीक है ना। N2 तथा O2 बुलबुलों के रूप में बाहर निकालते हैं जिससे कोशिकाओं में अवरोध होता है और जो घातक होता है, इसे बैंड कहते हैं। बैंड का उपचार करने के क्या होगा, इसका उपचार करने के लिए अपन को उस गैस सिलेंडर में एक ऐसी गैस मिलानी है जिसकी सॉल्युबिलिटी का मान कम होता है, तो अपन क्या करते हैं उसके अंदर हीलियम मिलाते हैं। हीलियम कितनी होती है बच्चों, 11.7%। नाइट्रोजन कितनी होती, 56.2%। और अपनी जो ऑक्सीजन होती है बच्चों वो होती 32.1%। तो बच्चों ये कंप्लीटली अपने हेनरी का नियम हो गया। मैंने आपको हेनरी के नियम क्या होता है बता दिया, हेनरी के नियम में डेरिवेशन आती है, केज का मान निकलता है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अपन ने हेनरी के नियम का अनुप्रयोग पढ़ा, अपन ने ग्राफ पढ़ा, इसके बाद अपन ने हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ी और ये अपना कंप्लीट हेनरी का नियम हो गया। अब आगे चलते हैं अपन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो बच्चों ये अपना अपना हेनरी का नियम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट है अपना द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन लिक्विड सॉल्यूशन। अब सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। देखो द्रव्य विलयन की बात करें तो देखो क्या होती है, इस प्रकार के विलयन में विलायक तो क्या होगा, पढ़ लिया अपन ने, विलायक द्रव अवस्था में तथा विलेय पदार्थ ठोस द्रव तथा गैस हो सकता है, तो इस प्रकार का विलयन बच्चों कौन सा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। इस प्रकार का विलयन क्या होगा अपना, द्रव्य विलयन कहलाता। अब तो केवल इसके बारे में बात आ गई, मतलब क्या पूछे, आपसे पूछे कि द्रव्य विलयन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि द्रव्य विलयन का मतलब होता है कि आपका जनरली जो विलायक होगा वो तो लिक्विड होगा और लेकिन आपका जो विलय होगा वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अपन इसे पढ़ा, देखो ये तो हो गया अपना द्रव, ये तो क्या होगा अपना बच्चों, सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। अब सॉल्यूट के रूप में क्या क्या हो सकता है, तो सॉल्यूट की बात करते हैं अपन, तो सॉल्यूट के रूप में द्रव का ठोस भी हो सकता है, यहां पर आपका द्रव भी हो सकता है और यहां पर द्रव का गैस भी हो सकता है। तो अपन यहां पर जो स्टडी करने वाले हैं, वो बात कर रहे हैं द्रव के अंदर, ठीक है ना, इसकी स्टडी अपन करने वाले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक कंटेनर ले लेता हूं, ये मैंने एक बीकर ले लिया, ये एक बीकर है, ये बीकर ए, ठीक है ना, प्लस एक बीकर रो ले लेता हूं, एक तो विलय हो जाएगा, एक विलायक के लिए बना देंगे अपन, और अपन जानते हैं जब विलय विलायक में मिलता है ये हो जाएगा बी, जब विलय विलायक में मिलता है तो अपन ये भी जानते हैं विलय को विलायक में मिलाने पर क्या देगा, वो बनाएगा सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पर बन जाएगा देखो क्या होगा, ये तो है अपना शुद्ध विलय, ध्यान रखना शुद्ध विलय, ठीक है ना, प्योर विलय है,
यानी कि प्योर सोलवेंट सोल्यूट है, यहां तक ले लेता हूं, यानी कि भरा हुआ है ए ए, अपन ने ए भर दिया। ये अपन ने ए भर दिया, ए माना है अपन ने ना, तो बताओ इसका दाब क्या होगा, इसका दाब होगा पी ए, ठीक है ना। शुद्ध विलेय का दाब क्या होगा, पी ए। चलो तो इसका स्थिरांक भी बनेगा, तो इसके स्थिरांक को क्या ले लेंगे अपन, पी नॉट ए। पी नॉट क्या, ए क्या होगा, शुद्ध विलेय का, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब स्थिरांक, ये होता है पी नॉट ए, ठीक है। बी की बात करते हैं, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा बच्चों शुद्ध विलायक, क्या बन जाएगा, शुद्ध विलायक। तो इधर क्या होगा आपके पास, बीबी लिया अपन ने, ये केवल प्योर बीबी है, इसमें किसी प्रकार की इंप्यूरिटीज नहीं है, ये अपन ने बीबी ले लिया, ठीक है ना। इस सब में क्या हो रहा है आपका, सॉल्वेंट डिसॉल्व सॉलिड भरा हुआ है, यानी कि विलायक है टोटल इसके अंदर, है ना, शुद्ध विलायक। इसका तो हो जाएगा पीबी, और इसका जो कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी वो बच्चों जाएगी पी नॉट बी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देखो शुद्ध विलेय ये कैसा होता है आपका, वाष्पशील, अगर आप गर्म करोगे ना तो इसकी वेपर बनेगी वाष्पशील। ये भी क्या होता है आपका, ये भी होता है आपका वाष्पशील। अब बताओ विलेय को विलायक में मिलाएंगे तो अपन जानते विलयन बनेगा, विलयन किसका बनेगा, ए बी का, ये बन गया आपका सोल्यूशन, ठीक है ना। ए बी का बनेगा सोल्यूशन आपके पास, ये बन गया ए बी का, ठीक है, ये बन गया अपने पास ए बी का सॉल्यूशन बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो क्या होगा, इसका दाब निकलेगा टोटल, तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, विलेय का वाष्प दाब प्लस विलायक का पार्शियली वाष्प दाब होता है, ये टोटल निकल गया, ठीक है ना। अब बच्चों अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं, इसकी निकाल सकते हैं डेफिनेशन कैसे, जब शुद्ध विलेय पदार्थ को, देखो सुनना, जब शुद्ध वाष्पशील विलेय पदार्थ को, जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो क्या होते हैं, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब अवयवों के वाष्प दाब के बराबर होता है। मतलब अगर एक लिक्विड में अपन दूसरे लिक्विड को मिलाया जब मिलाते हैं तो दोनों अवयव, अवयव बोले तो विलेय और विलायक वाष्पशील होते हैं। दोबारा बोल देता हूं, जब किसी वाष्पशील विलेय पदार्थ को, अपन बोल सकते हैं, लिख देता हूं, देखो मैं लिखता हूं, देखो जब किसी वाष्पशील विलेय पदार्थ को, विलेय पदार्थ को कोमा, जब किसी वाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है, जब किसी वाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो दोनों अवयव बोले तो एक तो आ जाएगा आपका विलेय और यहां आ जाएगा विलायक। तो क्या होगा, जब किसी वाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं, दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं तथा दोनों अवयवों का वाष्प दाब विलयन के कुल वाष्प दाब के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। मतलब आप निकालोगे पी टोटल, तो पी टोटल बराबर क्या होगा, पी ए पी बी सोन आगे हो सकता है, ये हो गया अपने पास। तो बच्चों अपन ने जो डेफिनेशन लिखी है, हालांकि इसको याद नहीं करना होता है, अपन ने यहां से लिखी है, देखिए से, देखो सुनना, जब किसी वाष्पशील विलेय पदार्थ को
किसी वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं और दोनों अवयवों का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। तो इस प्रकार के विलयनों के बारे में बच्चों जो स्टडी करी ना वो करी राउल्ट ने, अपन बोल सकते हैं इस प्रकार के विलयनों के बारे में, इस प्रकार के विलयनों के बारे में राउल्ट ने स्पष्ट किया, ये अपन को पता होना चाहिए कौन था वो राउल्ट। आओ दोबारा सुन लेते हैं। देखो द्रविलयन क्या होता है, इस प्रकार के विलयन में विलायक तो द्रव अवस्था में होता है और विलेय पदार्थ ठोस द्रव गैस अवस्था में होता है। अगर अपन द्रव को द्रव के अंदर मिलाते हैं और अपन गर्म करते हैं तो दृढ़ता रखना, गर्म करने पर विलायक और विलेय दोनों क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। तो अपने बनाए देखो शुद्ध विलय, इसका वाष्प दाब ये पार्शियली होता है, आंशिक वाष्प दाब पीए हो जाएगा, इस वाले का पी भी हो जाएगा, ये आपका शुद्ध विलय का वाष्प दाब इस तरह, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इस तरह। जब ए को बी में मिलाया जाता है तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब जब किसी वाष्पशील विलय पदार्थ को किसी वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं और दोनों अवयवों का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। तो इस प्रकार के विलयनों के बारे में जो स्टडी करी है वो किसने करी, आपके राउल्ट ने करी। इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आगे चलते हैं अपन, तो अपन पढ़ रहे हैं राउल्ट के वाष्पशीलता का नियम। इस चैप्टर के अंदर अपन राउल्ट के दो नियम पढ़ेंगे, एक नियम तो होगा वाष्पशीलता का नियम और एक नियम होगा आपके अवाष्पशीलता का नियम, ठीक है ना। तो क्या होता है, निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित अवयवों का आंशिक वाष्प दाब अवयवों की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, इसे राउल्ट के वाष्पशील का नियम कहते हैं। तो बोल सकते हैं अपन निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयवों का आंशिक वाष्प दाब अवयवों की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या बोला मैंने, मैं भी पढ़ा था पन्ने की जो वाष्पशील अवयव होते हैं तो इन वाष्पशील अवयवों का जो वाष्प दाब निकलेगा वो क्या होगा, उन्हें अवयवों के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसे राउल्ट के वाष्पशीलता का नियम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे माना कि जैसे अवयव की बात करते, जैसे कि आपने विलय पदार्थ माना, जैसे आपने विलय ले लिया ए, ठीक है ना, और इधर ले लेते हैं अपन विलायक। माना कि विलय ए ले लिया आपने और विलायक आपने बी ले लिया, तो अपन जानते हैं विलय पदार्थ ए है तो ए के तो दाब क्या होगा, वाष्प दाब पी ए हो जाएगा, ठीक है ना, और इसकी मोल भिन्न क्या हो जाएगी, इसकी मोल भिन्न हो जाएगी एक से। इसी प्रकार बात करें तो इसका तो जाएगा पी बी और इसकी मोल भिन्न क्या हो जाएगी एक्स बी, तो क्या निकलेगा, अपन जानते हैं देखो पी ए समानुपाती किसके होगा, एक्स ए के, इसको हटा दो आप तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, जिसको अपन ने अभी पढ़ा है। पी नोट ए क्या है, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब स्थिरांक, इक्वेशन नंबर वन। इसके बाद कर लेते हैं क्या होगा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, एक्स बी के, तो पी बी बराबर क्या होगा, पी नॉट बी और एक्स बी, इक्वेशन नंबर दो। चूंकि अपन ने एक तो ए माना है, एक अपन ने बी माना है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं
वी नो दैट, हम जानते हैं कि विलयन का कुल वाष्प दाब विलय और विलाय के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, तो पी भी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर तीन, समीकरण तीन में एक और दो से वैल्यू पुट अप कर देते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा पी टोटल बराबर या तो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, इधर हो जाएगा पी नॉट बी और एक्स बी, ठीक है ना। अपन बात कर रहे थे तो इंपोर्टेंट क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है कोई सोल्यूट, तो पता है क्या होता है अपन को इस सोल्यूट के साथ मोल भी ना गई तो अपन को इसकी वैल्यू निकालना है। अपन जानते हैं क्या एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है वन, तो एक्स ए का मान कैसे निकलेगा वन माइनस एक्स बी, पढ़ा रखा मैंने आपको मोलभिन के अंदर, इस वैल्यू को आप यहां रख दो तो क्या हो जाएगा पी टोटल बराबर पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी और एक्स बी, हो गया। इसको आप आगे कैलकुलेशन कर लो तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए एक्स बी प्लस P नॉट B X B, इसको अरेंज करके लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा P टोटल P नॉट A, पहले प्लस को लिख देता हूं प्लस P नॉट B X B माइनस का P नॉट A X B, कुछ कॉमन आ रहा होगा तो P टोटल बराबर होगा P नॉट A प्लस क्या कॉमन आ रहा X B, तो बच्चों अंदर क्या बचेगा P नॉट B माइनस का P नॉट A, ये अपने डेरिवेशन खत्म हो गई। अब अपन को ये पता होना चाहिए कि पी ए क्या होता है पी बी क्या होता है, दोबारा सुन लो क्या होता है राउल्ट के वाष्पशीलता का नियम, निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयवों का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वह अवयवों की मोलभिन के समानुपाती होता है। विलय मैंने ए माना, इसका वाष्प दाब पी ए हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स ए, और वाष्प दाब स्थिरांक क्या हो जाएगा पी नॉट ए, ठीक है ना। इसी प्रकार पी बी एक्स बी और पी नोट बी, तो पी ए समानुपाती एक्स से इसको हटाऊंगा पी नोट ए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी इसको हटाऊंगा पी नोट बी, हो गया। अपन जानते हैं पी टोटल क्या होगा पी ए पी बी के, पी ए का मान यहां से रख दिया पी बी का मान यहां से रख दिया, अपन जानते हैं एक्स ए का मान निकालना क्योंकि सोल्यूट इंपोर्टेंट है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, एक्स ए का मान निकाल लूंगा वैल्यू पुट ऑफ कर दूंगा यहां से लूंगा, मतलब मेरे पास ये आंसर आ गया टोटल ये आंसर। अगर न्यूमेरिकल्स आएगा तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अगर जो इसका न्यूमेरिकल आता है ना तो उसमें इक्वेशन वन भी कैलकुलेट करनी होती है इक्वेशन टू भी कैलकुलेट करनी होती है। अब आगे चलते हैं, अपन को पता होना चाहिए पी टोटल क्या है, पी टोटल है विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। पी ए क्या है विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब, ठीक है। पी बी क्या है, ये हो जाएगा आपका विलायक का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब होता है विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर पी नोट ए क्या है, ये हो जाएगा शुद्ध विलय का, शुद्ध विलय का वाष्प दाब स्थिरांक, तो फिर पी नोट बी क्या है, पी नोट बी क्या हो जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब स्थिरांक, ये हो गया बच्चों। अब अपन आगे चलते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तो बच्चों आगे चलते हैं, एक यहां पे जनरली ग्राफ बनने वाला है, देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अपन क्या करते हैं दाब पी को पी ए तथा पी बी के सापेक्ष आलेखित करने पर, आलेखित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। बच्चों ये कहानी है, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, जैसे अपन ग्राफ बनाने वाले हैं, देखो ग्राफ बना रहे अपन, ठीक है। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा अपना, इधर तो जाएगा अपने पास वाष्प दाब, वाष्प दाब की बात करें तो इधर आ जाएगा आपके पास P, और अपन ग्राफ बना रहे हैं मोल भिन्न के बीच में ना, तो इधर आ जाएगा मोल अंश बोले तो X। अब सुनो आप, यहां पर जीरो है, इस जगह पर जीरो, ठीक है ना। तो कहानी क्या स्टार्ट होगी, अगर यहां पर जीरो है, अगर यहां पर जीरो है तो देखो एक्स ए का मान तो ले लेता हूं मैं एक, ठीक है ना, और एक्स बी का मान लेता हूं जीरो, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है आपको याद हो तो, इन दोनों की मोल भिन्नों का योग क्या करना पड़ेगा मुझे एक करना पड़ेगा। अब देखो ये विलायक के, विलायक का मान जीरो इस जगह पर, तो जीरो से जाएगा कहां तक जाएगा
पी नॉट बी तक, क्योंकि विलायक ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा बन जाएगा ये। इसका उल्टा करो इधर इस तरफ, अब की बार एक्स ए का मान जीरो रख लो और एक्स बी का मान वन रख लो, तो ये किसके लिए हो जाएगा, सोल्यूट के लिए, यहां से गुजरेगा मूल बिंदु से, थोड़ा नीचे बनाना ही बन गया, इनको मिला दो आप, ठीक है ना। यह आपका सोलवेंट के लिए बनाया आपने, तो सोलवेंट के लिए क्या बना था आपने, आपने पढ़ा था पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और यहां पर आपने पढ़ा था पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए, और यहां पर आपने पढ़ा था पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो बच्चों ये एक आपको ग्राफ प्राप्त होगा जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब क्या होता है, इस ग्राफ का दो जगह यूज होगा, अपन पढ़ेंगे ना जब आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों आज अपन ने हेनरी के नियम के बारे में डिस्कस किया है, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप रेगुलर अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जो भी लैंग्वेज होती है ना उसको मैं ऑलरेडी बोर्ड पे लिख देता हूं, तो आप वीडियो को पॉज कर करके उन लैंग्वेज को लिखा करो, बार बार वीडियो को सुना करो, अच्छे से देखा करो, ताकि आपके परमानेंट ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।